जैसा कि पहले वीडियो में आपको बोला गया था कि आज बीपीएससी का सिलेबस बताया जाएगा, तो आज का जो मूल टॉपिक रहेगा बीपीएससी का सिलेबस, कि बीपीएससी में पढ़ना क्या गया है और बीपीएससी क्या क्या पूछती है, उसका दायरा क्या क्या होगा और सिलेबस में कौन कौन सा ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब आज आपको बताया गया। तो सबसे पहले आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस से पकड़ होना चाहिए, तो सिलेबस के बारे में आपको जानकारी जरूरत है। पीटी का बात करते हैं सबसे पहले। पीटी है क्या? पीटी एक्चुअली एक भीड़ छांटने का प्रक्रिया है। ये एक दीवार है जो आपको पार करना, इसका टाइमिंग जो होती है 2 आवर का होता है, 2 घंटे का। क्वेश्चन की संख्या रहती है 150। पहला जो एग्जाम होगा आपकी पीटी होगी। पीटी 2 घंटा आपका टाइमिंग होगा, 120 मिनट। क्वेश्चन की संख्या होगी 150। अब 150 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला हिस्ट्री की बात करें, पीटी में आपको हिस्ट्री से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन मिलेगा। हिस्ट्री से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएगा हर साल। सेकेंड जो बीपीएससी को अच्छा लगता है वो करेंट है। करेंट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस 20 से 25 क्वेश्चन, तीसरा जो होगा बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में 50 है तो बिहार स्पेशल दिया ही जाएगा। ये भी आपको 15 से 20 मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन की संख्या है 150, हिस्ट्री, करेंट, साइंस और बिहार। ये चार टॉपिक, चार सब्जेक्ट आप जिसको बोल सकते हैं अच्छे तरीका से पढ़ना होगा पीटी क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर आपको पीटी सिर्फ पास करना है तो ये आपको हम बता दें, हिस्ट्री, करेंट, साइंस, बिहार, अगर 4 सब्जेक्ट पर कमांड है आपका तो आप आराम से पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन बता रहा है 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री में, 20 से 25, तो आप ये दोनों मिलके ही 60% आपका कवर कर लेगा करेंट और हिस्ट्री। साइंस में 20 से 25 जो हर साल का रेशियो है, बिहार स्पेशल में 15 से 20, इसमें कभी कभी ऊपर नीचे होता है लेकिन बिहार स्पेशल भी आपको 15 से 20 मिल जाएंगे। तो ये अगर आप जोड़ कर देखिएगा 30, 60, 80, मतलब लगभग ये आपको 100 क्रॉस कर देगा, मतलब ये 4 सब्जेक्ट आपका 100 क्या करेगा, पार कर देगा। और पीटी के लिए
अगर 150 में 100 to 10 इतना आता है तो आप रिजर्व मतलब कन्फर्म जोन में हैं कि आपका पीटी कन्फर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो प्राइम टाइम वीडियो में जो आपको मिलेगा, हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, करेंट अफेयर में क्या क्या डेली पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, एक टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में। पीटी अगर क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तब आपका मीन्स होगा। मेंस की बात करें, अब मेंस में आपका सिलेबस क्या क्या है ये देखिए। मेंस में सबसे पहले आपको हिंदी देना होगा जो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का हिंदी होगा, ये क्वालिफाई पेपर है, बस इसमें आपको पास करना है, इसमें आपको 30 नंबर लाना है। ये हिंदी पेपर का नंबर इस जीएस पेपर में नहीं देखेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगला जो पेपर होगा जीएस पेपर 1, ये जीएस पेपर 2, एक पेपर होगा ऑप्शनल, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक पेपर होगा ऑप्शनल। तो जीएस में जो पढ़ना है हिस्ट्री प्लस कल्चर, कला साहित्य, हिस्ट्री और कल्चर जो कला आप जिसको बोल सकते हैं ये पढ़ना है। दूसरा जो आपको पढ़ना है करेंट इवेंट, दूसरा आपको पढ़ना है करेंट, तीसरा जो आपको पढ़ना है सांख्यिकी, हिंदी अगर पास कर जाते हैं तो आपको ये तीनों अच्छा से पढ़ना होगा। इसका टाइमिंग होगा 3 घंटे, 1 2 3, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल, तीनों का 3 3 आवर का आपका टाइमिंग होगा, मतलब 3 6 9 और एक पेपर है हिंदी, इसका भी टाइमिंग होगा 3 घंटे का, मतलब 12 घंटे आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। हिस्ट्री में क्वेश्चन का जो संख्या रहेगा 6, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6 लेकिन आपको बनाना है कितना 3। करेंट इवेंट में क्वेश्चन की संख्या रहेगा 5, बनाना है 3। सांख्यिकी इसमें क्वेश्चन की संख्या रहेगा 4, आपको बनाना है 2, मतलब टोटल क्वेश्चन जो आपको बनाना है 8, क्वेश्चन पूछा जाएगा 15। जीएस पेपर 1 में एक बार फिर से सुन लीजिए, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री कला साहित्य करेंट इवेंट सांख्यिकी क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगी लेकिन बनाना है आपको 3 क्वेश्चन। इसमें करेंट इवेंट में क्वेश्चन की संख्या 5 रहेगा, आपको बनाना है 3 क्वेश्चन। सांख्यिकी में क्वेश्चन की संख्या 4 रहेगा, बनाना है 2 क्वेश्चन।
आगे जो बचा हुआ है वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटी और एक साइंस टेक, साइंस एंड टेक, ये आपको पढ़ना। इसमें भी क्वेश्चन संख्या छः बनाना है, तीन क्वेश्चन पॉइंट बनाना है, इसमें क्वेश्चन की संख्या चार बनाना है, दो टोटल क्वेश्चन रहेगा 15 बनाना है इसमें आपको। आज एक पेपर रहेगा ऑप्शनल, ऑप्शनल में आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है। इसमें क्वेश्चन की संख्या रहेगी 12, बनाना है आपको 6 क्वेश्चन, मतलब मेंस का ओवरऑल ये आपको सिलेबस रहे। अगर बीपीएससी का स्टडी किया आप शुरू किए हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे कमांड करना कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, ताकि अभी का जो दौर है आप देखे होंगे या देखते होंगे मार्केट में बहुत सारा रिसोर्स जो है आपको उपलब्ध है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर पढ़ना क्या है वो तब पता होगा जब आप बीपीएससी सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ते हो या नॉलेज होगा। तो ये रहा बीपीएससी का आपका सिलेबस। पीटी 150 नंबर का, सॉरी क्वेश्चन की संख्या 150। जीएस पेपर वन में क्वेश्चन की, तो जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू जो भी हो, इसमें टोटल क्वेश्चन 8 बनाना है, पूछा जाएगा 15। ऑप्शनल में 12 क्वेश्चन बनाना है 6। अब ये अगर मेंस हो जाता है तो एक इंटरव्यू होगा जो 120 नंबर का होगा, और इसी दोनों को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। तो ये आपको ओवरऑल पढ़ना है बीपीएससी में। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर पीटी का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना तो हिस्ट्री इसमें भी है, हिस्ट्री जीएस पेपर वन में भी पढ़ना है, तो क्यों ना आप एक ही बार हिस्ट्री अच्छा से पढ़ लें। पढ़ना ज्योग्राफी इसमें भी है, इसमें भी करेंट इवेंट इसमें भी पढ़ना है, पीटी में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक पॉलिटी इसमें भी पढ़ना है और पीटी में भी पढ़ना है। तो आप शुरू से ही एक रणनीति के तहत आप इसको अच्छा तैयारी मानकर अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर एक बार पढ़ने, अगर आप ढंग से आप पढ़ रहे हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला जो टॉपिक होगा हिस्ट्री में ही, कि हिस्ट्री इतिहास क्या है, ये टॉपिक शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इतिहास क्या है ये आपको हम बताएंगे।